पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। किस बात का डीएनएस अलाउंस? इनके बढ़ गए, इनके हमने बढ़ाई है, हमने बढ़ाए आटे दाल के भाव। गवर्नमेंट का फर्ज है प्राइस लाइन पर कंट्रोल रखना। गवर्नमेंट से जाके मांगे अपना डीएनएस अलाउंस। ये दास्तां है एक महान रंगकर्मी की जिनका नाम है ओम शिवपुरी। राज तो हम करेंगे बेटे, उन्हें तो वही रोटी और प्याज मिलेगा जो मिलता रहा है। ओम शिवपुरी साहब का जन्म हुआ 14 जुलाई सन 1936 में। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो कि कश्मीर से ताल्लुक रखता था। बाद में इनका परिवार जोधपुर आ गया और इनके वालिद को जोधपुर के राजसी परिवार ने अपना लिया। ओम शिवपुरी साहब 8 बच्चों में 5वें नंबर पे थे। जब मेरे बाबूजी ने मुझे बिजनेस के लिए सबसे पहले कहा था ना, तब मैंने भी यही जवाब दिया था। पर कुछ दिनों में पता चला कि बिजनेस तो बहुत मजेदार चीज है। ओम शिवपुरी साहब ने अपनी ग्रेजुएशन की जोधपुर शहर से ही। एक वक्त ऐसा भी आया जब इनके वालिद साहब की तबीयत बहुत खराब हो गई और तब पूरा परिवार जयपुर चला आया। जयपुर में ओम शिवपुरी साहब ने एक स्कूल में पार्ट टाइम जॉब पकड़ ली। इन्होंने अपनी LLB का पहला साल भी पूरा किया। ये कॉलेज में निहायत ही शरारती थे और अक्सर इनकी अटेंडेंस शॉर्ट पड़ जाती थी, लिहाजा इन्हें उस कॉलेज से निकाल दिया गया। कॉलेज में कभी नहीं पढ़े, अब तो पढ़ो। बचपन से ही ओम शिवपुरी साहब रंगमंच के प्रति सदैव यह आकर्षित रहते। एक बार तो यूं भी रहा कि इन्होंने बचपन में एक लड़की का किरदार निभाया था रंगमंच पे और इनकी अदायगी इतनी अच्छी थी कि दुनिया को लगा कि ये वाकई एक लड़की हैं। इन्हें मौका मिला जयपुर में ऑल इंडिया रेडियो का सदस्य बनने का। वहीं पर इनकी मुलाकात हुई सुधा शर्मा जी से। सुधा शर्मा जी भी जब मात्र 13 बरस की थी तब इनके परिवार की जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई थी। ऑल इंडिया रेडियो में काम करते करते ओम शिवपुरी साहब और सुधा शर्मा जी की दोस्ती हो गई। मुझे मालूम है। ओम शिवपुरी ने सुधा जी से यह भी कहा था कि तुम अपना फाइनल ईयर BA क्यों नहीं पूरा करती हो। जब सुधा जी ने कहा कि इनकी माली हालत ठीक नहीं है, इन्हें काम करना होगा, तब ओम जी ने इन्हें प्रेरित किया और आखिर में सुधा शर्मा ने BA पूरा कर लिया। यह वो वक्त भी था जब ओम शिवपुरी साहब ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। ओम शिवपुरी साहब ने सुधा जी से कहा कि तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा तकरीबन 4 से 6 साल। जब तक मेरे भाई बहनों की शादी नहीं हो जाती, हम दोनों का रिश्ता आगे बढ़ना जरा कठिन है। सुधा शर्मा जी की शादी की बातें शुरू हो गई थीं। ओम जी इनसे दूर रह रहे थे और तब ओम शिवपुरी साहब ने वो कदम उठाया जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। इसे जीतने के लिए तुम्हें रोज नए नए उपाय सोचने होंगे। ये सुधा जी के पास आए और कहने लगे, क्यों नहीं तुम भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की छात्रा बन जाती हो और दिल्ली चलकर अभिनय का विधिवत प्रशिक्षण लेती हो। बड़ी मिन्नतों के बाद सुधा जी की माता जी मान गईं और सुधा शर्मा जो आगे जाकर सुधा शिवपुरी बनने वाली थीं वो भी NSG का हिस्सा बन गईं। सुनो दोतिया, उसके लिए आज ही दिल्ली के लिए एक सीट बुक करा दो और मेरा नाम लेके बोलो कि 2-4 दिन दिल्ली घूमा है। ये बात भी गौर करने लायक है कि ओम शिवपुरी साहब और सुधा शर्मा जी वो कलाकार रहे जिन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेपर्टरी कंपनी की शुरुआत की। महान गुरु अब्राहिम अलकाजी की शागिर्दी इन दोनों को ही मिली। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ओम शिवपुरी का नाम बहुत बड़ा हो गया। खेल कर देखो, नशा हो जाएगा। इसी बीच सुधा शर्मा जी के लिए एक लड़का देखा जा चुका था और तब तक ओम शिवपुरी ने मन नहीं बनाया था कि वो सुधा जी से विवाह कर लेंगे। और एक दिन तो बड़ी अजीब हालत हो गई। वो लड़का जो कि सुधा जी के लिए चुना गया था वो इनसे मिलने NSD पहुंच गया। ओम शिवपुरी साहब का दिल टूट गया। सुधा जी ने कहा कि ओम जी, अभी मैंने शादी के लिए हाँ नहीं कही है, सिर्फ वो लड़का मुझे देखने आया है। आखिरकार सन 1968 में 9 साल के लंबे इंतजार के बाद ओम शिवपुरी साहब और सुधा शर्मा जी का विवाह हुआ। शादी के बाद ये दोनों जयपुर के मॉडर्न स्कूल में कल्चरल एक्टिविटीज के टीचर बन गए। इन दोनों ने ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बहुत से नाटक किए। इन लोगों ने मिलकर अपना खुद का एक थिएटर ग्रुप भी शुरू किया। ओम शिवपुरी साहब ने शेक्सपियर के नाटक किए तो गिरीश कर्नाड साहब के नाटकों का मंचन भी ओम शिवपुरी साहब ने किया। इनकी शादी से 2 बच्चे हुए। एक हुई ऋतु जो कि आगे जाकर अभिनेत्री बनी। फिल्म आंखें में ऋतु शिवपुरी का अभिनय देखते ही बनता है। बेटा हुआ विनीत। विनीत शिवपुरी भी आगे जाकर असिस्टेंट डायरेक्टर बने। जरूर करो बेटे, लेकिन एक बात याद रखना, बिना पढ़े कभी किसी कागज पर दस्तखत मत करना। काफी अच्छे थिएटर के शोज भी ये किया करते थे। पर इसी बीच अजीम नाटककार मोहन राकेश साहब का निधन हो गया और उस दिन ओम शिवपुरी साहब को लगा कि सिर्फ नाटक करके मैं पैसा ना कमा पाऊंगा। तब ओम शिवपुरी साहब ने फिल्मों का रुख किया। सन 1974 में जब ओम शिवपुरी साहब बम्बई शिफ्ट हुए तब ये मुंबई के सीजर पैलेस में रहा करते थे। जेब में से 1500 रुपये थे और ठान कर आए थे कि बस एक बरस देना है अपने आप को, किसी न किसी तरीके से अभिनय के क्षेत्र में अपना नाम बनाना है। ना भिखारी, ना अमीर, क्या नहीं मिडिल क्लास, वो बहुत खतरनाक होता है। गुलजार साहब की कोशिश
उसके बाद जीवन संग्राम और फिर ऋषिकेश मुखर्जी साहब की फिल्म आई नमक हराम। इसके बाद तो ओम शिवपुरी साहब ने पलट के नहीं देखा। माफी मांगते वक्त तुम्हारा जो ह्यूमिलिएशन, जो अपमान होगा, उसे कभी मत भूलना। वही होगी तुम्हारी शक्ति। ओम शिवपुरी साहब ने विलन के किरदार भी निभाए तो बहुत ही संवेदनशील किरदार भी। अमिताभ बच्चन साहब की सुपरहिट फिल्म डॉन में निभाया ओम शिवपुरी का किरदार आज भी लोगों को याद है। डिवाइड एंड रूल बहुत बड़ा पुराना गुर है जो अंग्रेज जाते जाते हमें दे गए थे। एक बार ये फिल्म फूल बने अंगारे की शूटिंग के लिए मद्रास गए, जहाँ पर इन्होंने मजाक में अपनी बीवी को फोन करके बोला, क्या मैं पत्ते खेल सकता हूँ। ये दोनों बहुत जोर से हंसे, पर वो फोन कॉल आखिरी फोन कॉल था। उसके बाद खबर आई कि 15 अक्टूबर सन 1990 में ओम शिवपुरी साहब का इंतकाल हो गया। यकीनन भारतीय रंगमंच और फिल्म इतिहास में ओम शिवपुरी साहब का नाम सदैव गर्व से लिया जाएगा। ईश्वर ने कुछ को दिमाग दिया है, कुछ को शक्ति, सबको एक जैसा तो नहीं बनाया। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।